शराब ठेके के विद्रोह में दो दिनों से सुहाल पंचायत के वासिंदे विरोध के लिए उतर आए हैं। शराब ठेके के साथ रियायती घरों के होने के कारण लोगों ने शराब ठेके को बंद करने की जोरदार मांग की है। पंचायत के वासिंदों ने दो दिनों से शराब ठेके के बाहर धरना दिया। लोगों ने जिला प्रशासन को चेताया है कि अगर ठेका सुहाल में खुलता है तो चक्का जाम करने से भी गुरेज नहीं करेंगे। शराब ठेके के बाहर धरने पर बैठी महिलाओं ने बताया कि अगर सरकार नहीं मानती है तो लोग सड़कों पर उतरकर चक्का जाम करेंगे। महिलाओं का कहना है कि शराब पीकर लोग घरों के आसपास हुड़दंग मचाते हैं, जिस कारण हर कोई परेशानी में है। प्रॉब्लम पे प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है, क्योंकि यहाँ से जेंट्स रोज आए दिन शराब लेके रात दिन अंधाधुंध मतलब सड़कों पे चले रहते हैं और झगड़ा करते हैं। यहाँ छोटे छोटे बच्चे शराब लेके चले जाते हैं ठेके से, जबकि वो और यहाँ हमारे यहाँ पानी लेने महिलाएं आती हैं रास्ते में। यहाँ से चौराहा है, हर जगह को रास्ता है, उन्होंने रास्ता अपना चेंज कर लिया है। मंदिर है और पीपल का पेड़ है, यहाँ सिलाई सेंटर है और साथ में महिला भवन है, पंचायत घर है पुराना। और हमें यहाँ से मतलब आए दिन जेंट्स से बड़ी पर प्रॉब्लम है, क्योंकि वो गालियाँ वगैरह निकालते हैं तो महिलाओं को इससे दिक्कत होती है। चाहिए इससे, क्योंकि महिला इसमें मतलब चार पाँच सालों से इसके लिए हर साल कंप्लेंट करके डीसी के पास जाती हैं, लेकिन प्रशासन जो है इनको आश्वासन दे के फिर हमें मतलब भेज देता है, ना कोई कार्रवाई नहीं करता है। इस बार हम यहाँ से तभी उठेंगे जब ये ठेका बंद होगा। कर रहे हैं कि ये आए दिन रात तो झगड़े होते हैं, 10-11 तो रोक भैये लोग जो है बहुत ज़्यादा हो गए हैं यहाँ पे और झगड़े करते हैं, जिससे कि मैं रात दिन सोना बैठना उठना मुश्किल हो गया। जितना भी गाँव वासी लेडीज आती हैं इधर तो उनको खेतों में जाना मुश्किल है, क्योंकि गंदी गंदी गालियाँ देते हैं और बच्चे इतने परेशान कि जो बड़े जेंट्स हैं भैये लोग हैं छोटे छोटे बच्चों को पैसे हाथ में देकर ठेके पर भेजते हैं और उनको भी बिगाड़ रहे हैं रात दिन। तो हम महिलाओं का यही है कि अब हमें ठेका पंचायत में कहीं भी नहीं चाहिए। अगर ये सरकार नहीं मानती है तो हम चक्का जाम करेंगे, हम कुछ भी करने को तैयार हैं। हमने प्रधान को कह दिया है, प्रधान ने भी लिख के दे दिया, रेजोल्यूशन डाल दिया है कि हमें ठेका नहीं चाहिए। पंचायत प्रधान हंसराज ने बताया कि पंचायत के सभी वासिंदे ठेके के बाहर दो दिनों से धरने पर बैठे हैं ताकि ठेका खुल ना सके। उन्होंने कहा कि पंचायत द्वारा भी 3 सालों से मांग की जा रही है कि इस ठेके को बंद किया जाए, लेकिन कोई कार्यवाही नहीं हो रही है, जिस कारण लोगों को अब ठेके के बाहर धरना देना पड़ रहा है। जो है कोई आश्वासन नहीं मिला कि इस ठेके को कब बंद किया जाएगा, कब नहीं बंद किया जाएगा, लेकिन प्रशासन ने एक्साइज ने इस ठेके को दोबारा अलॉटमेंट कर दिया गया। तो गाँव वासियों ने महिलाओं ने मिलकर ये फैसला किया कि जब तक ये ठेका बंद नहीं होता है तो हम इस ठेके के बाहर जो है परमानेंट धरना देते रहेंगे। आज दो दिन से 31 मार्च रात को 12 बजे के बाद जो है सुहाल पंचायत की महिलाएं पुरुष जो है ठेके के बाहर रात दिन खड़े हुए हैं कि इस ठेके को बिल्कुल जड़ से बंद किया जाए। और मैं तो ये चाहता हूं कि यानी पूरी पंचायत में ये ठेका नहीं खुलना चाहिए। 3 साल से हम ये प्रशासन को अपने रेजुलेशन बना के दे रहे हैं, पंचायत भी दे रही है, महिला मंडल भी दे रहा है, ग्राम सभा सुधार कमेटी भी दे रही है, लेकिन आज तक इस ठेके के बंद करने के ऊपर कोई कार्रवाई नहीं की गई। और हम पूरे ये अपने सहयोग से चाहते हैं कि बिल्कुल जड़ से ठेका बंद होना चाहिए। सरकार अगर सरकार या प्रशासन नहीं मानता है तो आगे प्रधान जी क्या रहेगा, आपका रणनीति क्या रहेगी आगे की? सरकार या प्रशासन नहीं मानता है तो हमारी रणनीति ये रहेगी कि हम चक्का जाम भी करेंगे, भूख हड़ताल भी करेंगे, जो भी होगा हम पूरा संघर्ष करेंगे इस ठेके को बंद करने के लिए। यानी कि समाज में ये कृति नशे की एक मंदिर सामाजिक यानी कि आस्था के ऊपर चोट की गई है और ये हमारा जो महिला मंडल है उसके ऊपर महिला मंडल है और नीचे शराब का ठेका खोला गया है। शराब के ठेके खुलने से यहाँ पर सारा जो माहौल है वो खराब होता है। यहाँ पर लड़ाई झगड़े और जो गांव का एक सौहार्दपूर्ण वातावरण है उसको दूषित किया जा रहा है। हम हर साल यानी कि इसका विरोध करते हैं, परंतु हमें प्रशासन जो है इस आश्वासन देता है कि अगले साल बंद नहीं होगा, परंतु इस बार भी हम 18 तारीख को सारी महिला मंडल वहाँ पर गए थे और उन्होंने इसका विरोध किया, उसके बावजूद भी इस ठेके को दोबारा अलॉट कर दिया गया। तो हमारा यानी कि ये अनुरोध है कि इस ठेके को इस पंचायत से यानी कि बंद किया जाए। हम